नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। वहीं आवेश में आकर मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम की पुस्तिका मेरे ऊपर फेंकने की कार्रवाई को विशेषाधिकार हनन और असंसदीय आचरण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा मेरे नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध दिए गए संकल्प पर चर्चा कराए जाने की मांग की जा रही थी। उसी दौरान सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए आवेश में आकर मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम की पुस्तिका को मेरे ऊपर निशाना साधते हुए फेंक कर मारी, जो कि मेरे टेबल के सामने आकर मेरे ऊपर गिरी। संसदीय कार्य मंत्री का यह आचरण असंसदीय है। विधानसभा के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इस प्रकार का हमला किया जाना अत्यंत अपमानजनक है। उनका यह कृत्य सदन की अवमानना के साथ ही विपक्ष के सदस्यों के साथ साथ मेरे विशेषाधिकारों का हनन किया जाना की परिधि में आता है। संसदीय कार्य मंत्री के उक्त कृत्य के लिए उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 164-165 के तहत विशेषाधिकार हनन का मामला मानते हुए उन पर अविलंब कार्रवाई की जाए। इतिहास में किसी सरकार के द्वारा और वो भी संसदीय कार्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा ने आज संसदीय परंपरा के धज्जियां सदन के अंदर माननीय विधानसभा के समक्ष पूरे सदन के सामने नियम प्रक्रिया से जो कार्रवाई संचालन नियम है उसको विपक्ष के मेरे ऊपर और मेरे साथियों पर फेंक के मारा, लेकिन वो सामने नीचे गिरी। इस तरह का अमर्यादा, इस तरह का घृणित कृत्य आज तक किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी विधानसभा में नहीं किया गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा की जो सौहार्दपूर्ण परंपरा थी, इसका सम्मान पूरे देश में होता था। आज सत्ता पक्ष के मंत्री ने तार तार कर दी है। हम लोगों ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ विशासाधार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था कि हमारी दो मांग हैं, जब आप सत्ता पार्टी के दबाव में हमारे साथी जीतू पटवारी को समस्त सत्र के लिए निलंबित करते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी तत्काल समूचे सत्र के लिए निलंबित करें। अध्यक्ष जी ने हम लोगों की मांग पर कोई अमल नहीं किया, जबकि सत्ता पक्ष के मांग पर तत्काल कोई दबाव नहीं है। यह कोई विधानसभा का संविधान या कोई नियम प्रक्रिया के नहीं, वोटिंग नहीं होती। ये संपूर्ण अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को नियमों के तहत दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष जी ने एक पक्षी कार्रवाई की। कल जीतू पटवारी निकाला और संसदीय कार्य मंत्री के लिए निकालने की हमारी मांग पर भी उन्हें कोई निर्णय नहीं लिया। मजबूरों में हमें सदन को संसदीय कार्य मंत्री को निलंबित करने की मांग हमारे सभी कांग्रेस पक्ष के मित्रों ने की, और जब नहीं किया तो तानाशाही तरीके से, जो पूरा पहले से षड्यंत्र था। मैंने बता दिया था अपने नेता कमलनाथ जी को कि बैठ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सहारे पर सब हो रहा है। शिवराज सिंह भ्रष्टाचार में सरकार घोटालों में डूबी हुई है, और वो नहीं चाहती कि सदन में सरकार के चलाएगा तो घोटाले खुलेंगे, उनके कारनामे प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के सामने आएगा। इसलिए हमेशा सत्र छोटा करते हैं, छोटे सत्र के बाद भी पूरा सत्र चलने नहीं देते, और इसके बाद भी आप देखिए कम से कम 1000 के करीब प्रश्न हो गए लगा। खबर समय चौकत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।